अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो कैसे हम सब, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज की वीडियो हमारी कैपकट की क्वालिटी पर होने लगी है। तो गाइस, कुछ टाइम पहले मैंने अलाइन मोशन पर एक क्वालिटी का ट्यूटोरियल बनाया था, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बीच में से स्किप ना करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, आपने कैपकट ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपने ऊपर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद जो आपने वीडियो इम्पोर्ट करनी है वो आप इम्पोर्ट कर लें। मैंने यहाँ पर एक बच्ची की वीडियो इम्पोर्ट कर ली है। इसके बाद गाइस, आप वीडियो पर ध्यान देना, बच्ची को इग्नोर करना। तो गाइस, वीडियो ऐड करने के बाद आपने सबसे पहले अपनी वीडियो का साउंड म्यूट कर लेना है। उसके बाद गाइस, जो लास्ट में इसकी एंडिंग है आपने उसको डिलीट कर देना है। गाइस, अब हम इसमें कुछ इफेक्ट्स ऐड करेंगे। आप जाएंगे नीचे इफेक्ट्स पर, उसके बाद आपने वीडियो इफेक्ट्स पर जाना है। वहाँ पर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, आपको कॉमिक का ऑप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाएंगे। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको BMW स्केच का इफेक्ट मिल जाएगा। आपने सिंपली उसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने इसको फुल वीडियो में एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद गाइस, आपने जो सेकेंड इफेक्ट ऐड करना है, आप जाएंगे नीचे इफेक्ट्स पर, वहाँ पर आपने बेसिक पर जाना है। देन आपने ब्लर इफेक्ट को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने इसको भी अपनी पूरी वीडियो में अप्लाई कर लेना है। तो इसके बाद गाइस, आपने इसको 60 FPS पे एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के बाद आपने दोबारा बैक आ जाना है। देन आपने जो BMW स्केच इफेक्ट ऐड किया होगा आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस, आपने नीचे रिप्लेस इफेक्ट पे क्लिक करना है। तो गाइस, इस इफेक्ट की जगह हम नियॉन इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। ये इफेक्ट भी आपको उसी कॉमिक ऑप्शन में मिल जाएगा, आपने सिंपली इसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने इसको दोबारा 60 FPS पे एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के बाद आपने दोबारा बैक आ जाना है। उसके बाद जो आपने इफेक्ट्स ऐड किए थे उनको आपने डिलीट कर देना है। इन दोनों इफेक्ट्स को आपने डिलीट कर लेना है। इसके बाद हम ओवरलेस ऐड करेंगे। हमने जो पहले दो वीडियोस एक्सपोर्ट की थी उनको हम ओवरलेस में ऐड कर लेंगे। ऐड करने के लिए आप नीचे जाएंगे ओवरलेस में, वहाँ पर आपने ऐड ओवरले पे क्लिक करना है। देन आपने जो फर्स्ट वीडियो एक्सपोर्ट की थी आपने उसको ऐड कर लेना है। इसके बाद गाइस, आपने इसको अपनी वीडियो पे एडजस्ट कर लेना है। जो आपकी मेन वीडियो होगी उसके एग्जैक्ट ऊपर ही आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपने ओवरले को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम जाएंगे नीचे सप्लाइज पर, वहाँ पर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको बर्न का ऑप्शन मिलेगा, आपने उसको क्लिक कर लेना है। उसके बाद गाइस, आप इसकी कैपेसिटी को अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। मैंने इसकी कैपेसिटी 45 कर ली है। इसके बाद आपने इसको ओके कर लेना है। अब गाइस, हम सेकंड ओवरले ऐड करेंगे। आपने उसी तरह जाना है ओवरले में, वहाँ पर आपने सेकंड वीडियो जो एक्सपोर्ट की थी आपने उसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने इसको भी अपनी मेन वीडियो के एग्जैक्ट ऊपर एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपने अपने सेकंड ओवरले को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने नीचे सप्लाइज पर जाना है, वहाँ पर आप सबसे लास्ट में जाएंगे, आपने डोज इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। देन आपने इसकी कैपेसिटी को अपने वीडियो के अकॉर्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज कर लेना है। मैंने फिलहाल इसकी कैपेसिटी 50 कर ली है। तो गाइस, इसके बाद आप देख सकते हैं आपकी वीडियो में HDR इफेक्ट ऐड हो चुका है। तो अब हम इसकी मेन वीडियो में कुछ चेंजिंग करेंगे। आपने अपनी मेन वीडियो की लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस, आपने इसकी एडजस्टमेंट में जाना है। यहाँ पर अगर आपने अपनी मेन वीडियो के कलर एडजस्ट करना है तो आप कर सकते हैं। जो मैं इसकी एडजस्टमेंट कर रहा हूँ वो मैं अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसकी ब्राइटनेस को इनक्रीज़ कर लेता हूँ। इसकी ब्राइटनेस को मैंने 8 कर ली है। देन आपने कॉन्ट्रास्ट पर जाना है। अगर आपकी वीडियो में डार्क इफेक्ट ज़्यादा है तो आपने कॉन्ट्रास्ट को डिक्रीज़ कर लेना है, और अगर आपकी वीडियो में लाइट इफेक्ट ज़्यादा है तो आपने कॉन्ट्रास्ट को इनक्रीज़ कर लेना है। तो मैंने कॉन्ट्रास्ट को 8 कर लिया है। इसके बाद आपने अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग सैचुरेशन को एडजस्ट करना है। तो मैंने सैचुरेशन को -4 कर लिया है। उसके बाद अगर आपकी वीडियो में लाइट एंड इफेक्ट ज़्यादा है तो आपने एक्सपोजर को डिक्रीज़ कर लेना है। मैंने एक्सपोजर को डिक्रीज़ कर लिया है। इसके बाद गाइस, आपने अपनी वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज़ करने के लिए शार्पन इफेक्ट को इंक्रीज़ कर लेना है। मैंने शार्पन इफेक्ट को 40 कर लिया है। उसके बाद गाइस, आपने HSL में जाना है। वहाँ पर आपने अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग कुछ चेंजिंग करनी है। आपने जिस कलर की एडजस्टमेंट करनी है आपने उस कलर को सिलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद इसको मैंने अपनी वीडियो के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। ह्यू को मैंने -8 डिक्रीज कर लिया है। इसके बाद आपने सैचुरेशन को एडजस्ट कर लेना है। सैचुरेशन को मैंने +6 इंक्रीज कर लिया है। इसके बाद जो लास्ट में ल्यूमिनेंस है उसको भी मैंने +6 इंक्रीज कर लिया है। इसके बाद गाइस, आपने बाकी जिस कलर में एडजस्टमेंट करनी है आपने उस कलर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इसी तरह वहाँ पर कलर्स को एडजस्ट कर लेना है।
इसके बाद गाइस अगर आपकी वीडियो में ब्राइटनेस ज्यादा है तो आपने हाईलाइट को डिक्रीज कर लेना है। मैंने इसको -4 कर लिया है। इसके बाद मैंने शेडो को भी -8 डिक्रीज कर लिया है और लास्ट में विग्नेट इफेक्ट को मैंने ऐड कर लिया है, क्योंकि अगर ये आप ऐड करते हैं तो आपकी वीडियो पहले से ज्यादा अच्छी दिखती है। तो गाइस यहाँ पर हमारी वीडियो फुल कम्प्लीट रेडी हो चुकी है। इसके रिजल्ट मैं आपको वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। तो गाइस यहाँ पर हम वीडियो को एंड करते हैं। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल किस पर आए। और गाइस इस वीडियो में लाइक टारगेट है 100, सो जल्दी से कंप्लीट करवाएं ताकि नेक्स्ट कंप्लीट ट्यूटोरियल जल्दी आए। बाकी गाइस अगर आप HD क्वालिटी का ट्यूटोरियल अलाइन मोशन पर चाहते हैं तो उसका ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।